जा रहा हूँ दार्जिलिंग से सिर्फ 1.5 से 2 घंटा दूरी पे एक खूबसूरत जगह पे, जिसे ऑरेंज गार्डन या भी ऑरेंज वैली नाम से जानी जाती है। बट मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि सीटोंग सिर्फ ऑरेंज गार्डन के लिए इतनी खूबसूरत नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है जो कि अदर्स यूट्यूबर ने शायद ही आपको बताया होगा। तो चलिए सीटोंग चलते हैं और सफ़र का आनंद लेते हैं। बहनी, हाँ बहनी को नाम क्या है? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल हिमूद द ट्रैवलर। और अभी हमें वेस्ट बंगाल के खरसंग सब डिविजन पे बसा एक छोटी सी प्यारी सी विलेज सीटोंग पे। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के खूबसूरत हैंगिंग ब्रिज, यहाँ के रिवर, खूबसूरत नज़ारे, ऑरेंज गार्डन और भी बहुत सारे साइट सीन। संग संग हम जानेंगे यहाँ पहुँचना कैसे है, यहाँ के खाने का पीने का व्यवस्था कैसा है, सब कुछ पूरा डिटेल्स में। तो वीडियो पूरा देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीटोंग पे मेरा 2 दिन का स्टे है। एक दिन मैं ये जो पीछे होम स्टे दिख रहे हैं यहाँ पे रुकूंगा और इन्हीं ऑनर का और एक होम स्टे जो कि रियांग रिवर के एकदम पास में, वहाँ पे भी मैं एक दिन रुकूंगा क्योंकि मैं दोनों रिसोर्ट का थोड़ा आनंद लेना चाहता हूँ। चलिए अभी रूम का टूर कराता हूँ आपको, रूम दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की जर्नी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं सीटोंग पहुँचे कैसे। अगर आप सिलीगुड़ी या फिर NGP रेलवे स्टेशन से आते हो तो आपको सेवोक रोड से गैंगटोक जाने वाली रास्ते से बीरिक आना है। वहाँ से फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक रास्ते जाती है, वहाँ से आप सीटोंग पहुँच सकते हो। अगर आप दार्जिलिंग से आते हो तो फिर जोरबंगलो से लेफ्ट लेके मोंगपू होके भी आप सीटोंग पहुँच सकते हो। और दोनों ही रास्ते से आप 2 से 2.5 घंटे में आप सीटोंग पहुँच सकते हो। ये है 4-बेडेड रूम, ये यहाँ पे 2 बंदा, वहाँ पे 2 बंदा, आप सो सकते हो। अरे 2 चार्जिंग पॉइंट भी है दोनों बेड में दोनों आदमी यूज करने के लिए। रूम भी काफी स्पेसियस है और पीछे में हैंगर है कपड़ा लटकाने के लिए, छोटी सी एक डस्टबिन, चेयर है और सामने विंडो से तो देख ही रहे हैं आप क्या है, खूबसूरत व्यू। और ये है बाथरूम, ये छोटी सी शावर, गर्म पानी, ठंडा पानी सब कुछ है। बेसिन भी काफी साफ सुथरा है, मिरर भी क्लीन है, ये गीजर भी है। ये होम स्टे नाम ही सिर्फ है लेकिन सब कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे। कमोड भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो, रह सकते हो। मेरे साथ है यहाँ के एक खूबसूरत बच्ची, उनसे पूछता हूँ उनका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? प्रणवी। हाँ, कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? LKG। अब स्कूल छुट्टी हो गया, अब क्या करना है आपको? हाँ एक्चुअली क्या करना है? भात खाने, फेरी फेरी ट्यूशन जाने, भात खा रहे ट्यूशन जाने फेरी ला। ठीक छ, थैंक यू। बंद हाय कर दो। हाय, हाउ आर यू बंद? हाँ थैंक यू।
और अब सोच रहे हैं कि मैं 2 दिन रहूँगा, 2 अलग अलग होम स्टे में क्यों रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो होम स्टे तो स्पेशलिटी है, ये जो बैल्कोनी है, बैल्कोनी से आप तो व्यू जो दिख रहा है 180 डिग्री पूरा चारों तरफ ग्रीन ग्रीन, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैं एक दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। और एक जो दूसरा है होम स्टे है, वहाँ से रियांग रिवर ओनली 30 सेकंड के डिस्टेंस पे है, और जो जोगीगढ़ ब्रिज है वो तो रूम से ही दिखता है आपको, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक दिन यहाँ रहूँ और एक दिन वहाँ पे रहूँ। तो चलिए वो रूम भी आपको, वो होम स्टे भी आपको दिखाता हूँ, संग संग आपको रिवर में भी लेके चलता हूँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो होम स्टे एक ही ऑनर का है और नाम भी काफ़ी खूबसूरत है, एक का नाम है रिवर व्यू और एक का नाम है रिवर साइड। तो चलिए वो रिवर साइड में आपको लेके चलता हूँ। और ये है रिवर साइड होम स्टे, और वो जो दिख रहे विंडोज वहाँ पे मैं रूम ले आऊँ। काफ़ी बड़ी है, अगर बड़ा ग्रुप में आते हो, 5 जन 6 जन आते हो, तो एक रूम में आप शेयर भी कर सकते हो। ये देखिए ये 4 बेडेड रूम है, इधर 3 से 4 जन आप सो सकते हो, ये पीछे भी है, इधर भी 2 से 3 आदमी सो सकते हो। तो अगर आप ग्रुप में आते हो तो ये रूम भी आप ले सकते हो। और यहाँ से तो नज़ारा आप देख ही चुके हैं, फिर भी आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो नज़ारा है, जस्ट विंडो से देखिए। यहाँ पे अगर आप 4 बंदे आते हो और एक ही रूम शेयर करना चाहते हो, तो एक बंदे के लॉजिंग फूडिंग यानी कि खाने पीने का रहने के लिए एक दिन के पड़ेंगे 1000 रुपया पर हेड। अगर आप 3 बंदे रहते हो तो 1200 रुपया पर हेड, अगर आप 2 बंदे रहते हो तो 1400 रुपया पर हेड पर डे पड़ेंगे। अगर ये होम स्टे बुक करना चाहते हो, आप रहना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दें, वो नंबर में बुक करके आप यहाँ पर आ सकते हो। सामने जो ब्रिज है ये काफ़ी पुराना ब्रिज है जो कि अभी ख़राब हो चुका है, और उसी के जस्ट पीछे में है वो नया ब्रिज है, वो स्टील ब्रिज 2015 में वो बनाई गई है। और मेरे सामने ये खूबसूरत रायंग रिवर बहती हुई, आप चाहे तो यहाँ पे आके आनंद भी ले सकते हो। ये देखिए बंदा को देखिए आराम से मुंह धो रहे हैं।
अगर आप अपना बिजी लाइफ से दो दिन टाइम निकल के रिलैक्स करना चाहते हो तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगा आप सीटोंग आओ, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, एकदम शोर शराबा नहीं है। ये जो पीछे मेरे देख रहे हैं ये जोगीघाट ब्रिज है, नीचे में जो है रियांग रिवर भी है, यहाँ पे ऑरेंज गार्डन भी है, वाटरफॉल्स है और भी बहुत सारा साइट सीन्स भी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जब भी आओ दो दिन कम से कम टाइम निकाल के आओ। अगर आपके पास टाइम भी नहीं होता है दार्जिलिंग घूमने आते हो तो भी आप आपका एक दिन ऐड कर दो, चाहे जाने का पहले चाहे फिर आने का बाद। अब यहाँ पे घूम के रिलैक्स करके फिर वापस जाओ, उसके बाद अब हमको बताना कि जगह कैसा लगा। और अभी हमें जोगीघाट ब्रिज पे, जो कि मोंगपू को सीटोंग से जोड़ती है, और ये ब्रिज बाबा रामदेव ने उद्घाटन की थी। और ये मेरे पीछे देख सकते हो ये पुरानी ब्रिज, काफ़ी पुरानी ब्रिज है जो कि अभी बंद हो चुकी है, और उसके बाद से ये ब्रिज नया करके बनाया गया है। और दोस्तों अभी तक आपने ये वीडियो देखा होगा तो पता चल ही चुका होगा कितना खूबसूरत जगह है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, संग संग सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी निकलो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आप भी निकलो। आपके आसपास में बहुत सारा जगह है जो एक्सप्लोर कर सको, घूमो, क्योंकि ट्रैवल का मज़ा ही अपने आप में कुछ और है। बाहर जाना है ऐसे भी बात नहीं है, सिर्फ इंडिया में आप घूमो, इंडिया में बहुत सारा जगह है, आपके आसपास में भी इतना जगह है कि आप घूम के ख़त्म नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे लेप्चा वाटरफॉल्स, आलदारा 360 डिग्री व्यू पॉइंट, ऑरेंज गार्डन, नामथिंग पोखरी लेक, महालदीराम टी गार्डन, सिंकोना प्लांटेशन, गोमुधारा मॉनेस्ट्री, मोंगपू रविंद्रनाथ टैगर बांग्लो, लाट पंचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।